बड़ौदा चुनाव को लेकर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान। बड़ौदा चुनावों के नतीजों के साथ ही हो जाएगी खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू। बड़ौदा की जनता जवाब देने के लिए तैयार, कांग्रेस की है जीत तय। बड़ौदा उपचुनाव के चुनावी नतीजों के आते ही हरियाणा प्रदेश में भाजपा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, ये कहना है कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। वो आज रोहतक में अपने आवास पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव के समीकरणों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, वहाँ कांग्रेस की जीत तय है, क्योंकि जेजेपी और बीजेपी पार्टी ने प्रदेश को लूटने के सिवाय और कोई काम नहीं किया है। जहाँ तक बड़ौदा विधानसभा की बात है, वहाँ पर 6 साल के शासनकाल में प्रदेश सरकार ने कोई भी विकास के कार्य नहीं करवाए हैं। इस विधानसभा से वो भाजपा की प्रदेश सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव पास करेंगे और उस अविश्वास प्रस्ताव को विधानसभा में पेश किया जाएगा। दोनों पार्टियों का मुकाबला हम सच से करेंगे, क्योंकि एक बहुत झूठी पार्टी और एक जमा झूठी पार्टी, ये दोनों इन्होंने मिलकर हरियाणा का बंटाधार कर दिया। आपने खुद ही देखा, मैं नहीं कह रहा, मगर ये पिछले 1 साल में तो इन्होंने इतना नुकसान पहुंचाया, हरियाणा की इमेज को भी नुकसान पहुंचाया है कि जो है आज हरियाणा की जनता इनसे छुटकारा चाहती है। और बड़ौदा में हम सरकार के खिलाफ जनता के बीच में अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। अगर वो जनता अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो उस मिले आशीर्वाद से और उस मिली ताकत से वो उस अविश्वास प्रस्ताव को बड़ौदा से चंडीगढ़ लेके जाएंगे और विधानसभा में उस अविश्वास प्रस्ताव को लाने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव का नतीजा आते ही प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार ने प्रदेश के विकास की गाड़ी का एक्सीडेंट ही करवा दिया है। युवक बेरोजगार घूम रहे हैं और ना ही कोई विकास के काम हो रहे हैं। यही नहीं, अपराध के मामले में भी प्रदेश नंबर 1 की ओर पहुंच रहा है। बड़ौदा चुनाव प्रदेश में बदलाव लेके आएगा। प्रदेश की विकास की गाड़ी का जो बुरी तरह एक्सीडेंट किया, कोई दूरदर्शी सोच के साथ सरकार नहीं चली, हर वर्ग को चोट मारने का काम इस सरकार में हुआ। किसान पे जबरदस्त चोट, किसान पीपली में पिटा सड़कों पर तो उसकी फसल मंडियों में पिटी। नौजवान देश में सबसे नंबर 1 पे बेरोजगारी, छोटी बात नहीं है, यूपी बिहार से भी ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, क्योंकि नई ना फैक्ट्री लगी। IMT हम लगा रहे थे कि शहर में, वो IMT की योजना कैंसिल होगी कि सरकार ने एक्वायर नहीं करेंगे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, कहीं एयरपोर्ट यूपी चला गया, कहीं रेल कोच फैक्ट्री चली कैंसिल हो गई, कोई नई यूनिवर्सिटी बनी नहीं। तो कुल मिला के बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स थे, कहीं मेट्रो बढ़नी थी कुछ, सरकार ने हरियाणा के भविष्य को अंधकार में धकेलने का काम किया। जिस दिन बड़ौदा चुनाव की गिनती समाप्त होगी, उसी दिन खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी।